राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस केस को हमने अगस्त में उठाया था, जब अंकित गुर्जर की हत्या कर दी गई थी जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर, तो सबको हमने एक खबर सुनाई थी। साथ ही CBI जांच की मांग हमने करी थी परिवार के लिए, क्योंकि परिवार ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए थे कि पुलिस पैसा वसूलती थी लोगों से। जब अंकित गुर्जर ने मना कर दिया पुलिस को पैसा देने से, तो उसको बड़ी ही बेरहमी से जेल के अंदर पुलिस वालों ने मार दिया। ये आरोप पुलिस के ऊपर ना सिर्फ अंकित गुर्जर के परिवार ने लगाए थे, बल्कि कुछ साथी जो उसके साथ बंद थे तिहाड़ जेल में, उनकी भी बातें निकल कर आई थी कि हाँ, पुलिस वालों ने ही अंकित गुर्जर को मारा है। इसके बाद पुलिस के खिलाफ पूरा परिवार कोर्ट में गया। कोर्ट में पहले तो इसको मारपीट का मामला दर्ज किया गया, इसके बाद वसूली का मामला भी लिया गया। अब सबसे बड़ी खबर इस केस में ये आ रही है कि कोर्ट ने CBI जांच की मांग थी जो परिवार की, उसको मंजूरी दे दी है। ये बहुत ही बड़ी खबर है। और जो डिप्टी जेलर थे, साथ साथ चार अन्य पुलिस वाले, उनके खिलाफ अब ये CBI जांच होगी। मुश्किलें बढ़नी तय हैं। बहुत बड़ी अपडेट है। सभी भाइयों को ये अपडेट हम देना चाहते थे, इसके लिए वीडियो बनाई है। आगे क्या होगा केस में आपको बता देता हूँ। 28 अक्टूबर की अगली डेट है, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट, सारी जितनी भी रिपोर्ट है इस केस से जुड़ी हुई, वो CBI कोर्ट में पेश करेगी। अब देखना होगा उस रिपोर्ट में CBI क्या देती है। अभी वो सारे 5 के 5 पुलिस वाले सस्पेंड चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस केस से जुड़ी और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो, तो आप पेज को फॉलो करके लाइक कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। मलिक एडवोकेट ने सदा सबके